गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आज। तो आज हमें हमारे वीडियोते क्लास फोर गणित सब्जेक्ट आलोचना करब। अच्छा, हमारे आलोचना शुरू करार आगे हमें एक कथा मैं गल्प कर दी, एक माइंड फ्रेश कर दी। ठीक है, से तुम्हारे एक जिनिस देखे ये कि बोल तो एक बिस्किट ना, बिस्किटा देखते कीरकम आकार निश्चय तुम्हारा जो सामने थकते तो बोलते मैडम ये तो गोल आकार ना। ठीक है, गोल आकृति। अच्छा, हमें और एक जिनिस देखा तुम्हारे, हमें हमारे चूड़ीटा देखिए दी तुम्हारे। जस्ट मिनिट, चूड़ी चूड़ी आकार की रकम गोल आकार, ये एक गोल आकृतर चूड़ी। ठीक है, एरक गोल आकार अनेकटा जिनिस तुम्हारा बोलते, जमन प्लेट, तारपरे आंगटी, तारपरे तुम्हारा सबाई मेलाते तो जाओ ना, मेलाते सबाई चरकी तो चढ़े। ठीक है, चरकर आकृति एक कीरकम देखते, गोल आकार ना, गोल गोल बढ़ते थके। तो आज हमारा वीडियो गोल आकृति सम्पर् आलोचना करब। ये गोल आकृतर जिनगुलो के जमितर भाषा हमारा वृत्त सम्बोधन कर। ठीक है, तो आज हमारा वृत्त सम्पर् आलोचना करब। तो आज हमें वीडियो क्लास फोर चैप्टर नम्बर फाइव वृत्त ये चैप्टर आलोचना करब। ठीक है, तो वृत्त जिनिसटा कि, तो जानी वृत्त हलो जो गोलाकार जिनके वृत्त बोली। ठीक है, ये हमारा साधारण भाषा, किंतु जदिव जामितिक भाषा बोलते कम बोलो जो वृत्त हलो एक समतुल्य जामितिक चित्र जार बिंदुगुले एक निर्दिष्ट बिंदु देखे समदूरत्व अवस्थित। मैंने वृत्तर मध्य एक निर्दिष्ट बिंदु आज और यही बिंदुटे चतुर्दिक्त जोटी बिंदु आज सबटी बिंदु देखे एक एक रेखा गए मध्य बिंदुते मिलित हो। तो तुम्हारे हमें छविटा देखे दी तुम्हारा बुझे ने देखो, इटे एक वृत्त ये हम बनिए तुम्हारे एक TLM टीचिंग लार्निंग मेटेरियल। ये एक वृत्त सम्पूर्ण जिसटा होता है पुरो साइडटा पुरो रेखाटा, ये रेखाटा एक परिधि। ठीक है, ये वृत्तर पुरो रेखाटा जी हमें केटे दी इटा एक लम्बा सरलरेखा हो जाए, तो पुरो रेखाटा के हमें क्या बोली वृत्तर परिधि, परिधि हलो वृत्तर सम्पूर्ण दैर्घ्य के हमें परिधि बोली। ठीक है, एखन मिडिले देखो इकने एक बिंदु आज ओ बिंदु, हमें लिखे इन्हें ओ बिंदु, यहाँ हे केंद्र। ठीक है, ओ थेके वृत्तर परिधि पर्यंत इ एक बिंदु गए, आर ओ थेके एफ एक बिंदु गए। इकने जी ओ आर ओ एफ दुईटा बिंदु दुईटा सरलरेखा पे। ठीक है, दुटो सरलरेखा किन्तु केंद्र के केंद्र थेके बेर हुए परिधि पर्यंत गए। এই দুটো সরলরেখাকে আমরা ব্যাসার্ধ বলবো। ঠিক আছে, মানে কেন্দ্র থেকে যে রেখা শুরু করে আমাদের পরিধির যে কোনো একটা বিন্দুতে মিলিত হয় ওই রেখাটিকে আমরা ব্যাসার্ধ বলি। ব্যাসার্ধকে আমরা আর নিয়ে সম্বোধন করি। ঠিক আছে, এখন দেখো ই থেকে এফ পর্যন্ত একটা লম্বা সরলরেখা হয়েছে, যে সরলরেখাটি আমাদের বৃত্তকে ও বিন্দুতে মানে কেন্দ্রতে ছেদ করেছে। তো এই সরলরেখাটিকে আমরা কি বলবো, ব্যাস। ব্যাসকে আমরা ডি দিয়ে সম্বোধন করি। ঠিক আছে, আর বৃত্ততে কী আছে দেখো, এখানে আমি কয়েকটা রেখা দিয়েছি পি কিউ আর এস বিসি, এই সবটি রেখা কিন্তু দেখো বৃত্তের এক বিন্দু থেকে অন্য একটা বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রকে ছেদ করে না। ঠিক আছে, তো বৃত্তের একটি বিন্দু থেকে অপর একটি বিন্দুতে যখন একটা সরলরেখা মিলিত হয় কিন্তু কেন্দ্রকে ছেদ করে না, ওই রেখাটিকে আমরা কী বলি, যা বলি। ঠিক আছে, আর এই পুরো বৃত্তের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে আমরা বলি পরিধি। তো তোমরা এই ছবি থেকে বৃত্তর বেসিক আইডিয়াটা পেয়ে যাবে আশা করি। আমি তোমাদেরকে তোমাদের লিখে একটা পেজ আমি ডেফিনেশন আর বৃত্তের চিত্র দিয়ে তোমাদেরকে ফটো ক্লিক করে সেন্ড করে দেবো, তোমরা ওইখান থেকে নোটসগুলা লিখে নেবে। আশা করি সবাই বৃত্তের সম্পর্কে বুঝতে পারেছ। নেক্সট ক্লাসে আমরা বৃত্তের পাঠের যে অন্য অংশ বাকি আছে ওই অংশটা শেয়ার করব। তো আমি আমার আলোচনাটা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।